गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग नीतूश्री। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से हूँ आपके सामने अपने नए वीडियो को लेकर, जो कि एक मिनी सा हॉल वीडियो होने वाला है। तो गाइस, इंस्टाग्राम में बहुत सारे पेजेस हैं, जैसे कि आपने देखे ही होंगे, जिनसे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने भी एक पेज डिस्कवर किया है, मतलब मैंने तो जल्दी किया है, हो सकता है ज़्यादा लोग पहले से जानते हों। efashion.bazaar करके एक पेज है, जिसमें वो काफ़ी अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स एंड नेल के प्रोडक्ट्स एंड लाइक स्किन के प्रोडक्ट्स देते हैं, और काफ़ी रीजनेबल एंड गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से इस बार मंगाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। एंड गाइज, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे उनकी चीज़ें अच्छी लगी। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे पेड प्रमोशन मिलेगा तभी मैं किसी की तारीफ करूँगी या मैं किसी के लिए बात करूँगी। मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं ऐसे भी बात कर लेती हूँ, आप जानते ही हैं। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या मंगाया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ये है फेशियल रोलर। और आपने देखा होगा ये काफ़ी कॉस्टली मिलता है, लाइक आप नायका पे देख लो या किसी ब्रांड पे चले जाओ तो आपको 2000-3000 से कम नहीं मिलता है। लेकिन इनके पास ये काफ़ी सस्ते अमाउंट में था एंड अच्छी क्वालिटी का भी है। लाइक आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें, एक आपका ये आई स्टोन भी है इसमें, ये हैंडल रोलर है और साथ में इसमें आई स्टोन भी दिया हुआ है। एंड काफ़ी अच्छा लाइक वेटेड है, ये कोई बहुत घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। एंड आपको गाइस रेट सारे प्राइजेस आपको मेरी स्क्रीन पे दिखते रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत दिन से सोची थी मंगाने के लिए, बट मतलब मुझे नहीं लगा इतना महंगा मैं मंगा सकती हूँ। फिर मैंने इनके स्टोर पे देखा कि काफ़ी सस्ता था, तो मैंने मंगाया इसको। एंड गाइज, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे घर में ये यूं ही पड़ा रहता था, लाइक ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ होता है, हमारी मम्मी लोग भी यूज़ करती थी, मैंने देखा था पड़ा हुआ था मेरे घर में, बट मैं इसकी वैल्यू तब नहीं जानती थी। तो ये होता है मसाजर, लाइक आप अपना सिरम या मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा कर इससे आप इस तरह से अपने फेस पर मसाज कर सकते हो, लाइक बड़े बॉल से आप फोरहेड पर कर सकते हो, स्मॉल बॉल जो होती है आपके आईज के या नोज के अराउंड काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो ये इससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है, एंड आपका जो भी आप सीरम या मॉइस्चराइज़र या आप कोई एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है, एंड साथ में आपका मसाज भी करता है ये रोलर। तो यस, एक मैंने ये मंगाया, और इसके साथ एक ये स्टोन है, जिससे कि अगर आपकी आइज़ के नीचे पफिनेस है जैसे मेरे है, तो आप इससे इस तरह से इसको पुश करके आप इससे मसाज करोगे तो ये कम हो जाएगा, ऐसा क्लेम करते हैं लोग, बट मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मैं ट्राई करूँगी फिर देखूँगी क्या सच में मेरे ये पफिनेस, आप देख सकते हो ये मेरी पफिनेस है, ये इससे रिमूव हो जाएगी। एंड एक चीज़ और, इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा कर लो, उसके बाद इन्हें यूज़ करो तो ये ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाई हैं ये आई लैशेज, दीज आर 6D आई लैशेज, 3 पेयर हैं इसमें, एंड कोई ब्रांड का नाम यही है 6D आई लैशेज, 3 पेयर्स हैं जिसमें मैंने एक लगा लिया है। काफ़ी अच्छी ड्रामेटिक आई लैशेज हैं, लाइक आपकी ब्राइड्स अगर आप लाइक किसी पार्टी में जा रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छी हैं। लेंथ है इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, इनके हेयर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक बहुत सॉफ्ट हैं, एकदम नेचुरल हैं ये। एंड इन्होंने बोला भी है कि ये नेचुरल हेयर की लैशेज हैं, एंड काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस आपको दिखते रहेंगे, मुझे याद नहीं रहते हैं। तो यस गाइज, एक मैंने ये मंगाया, इसमें 3 पेयर्स मिल जाते हैं हमें। तो लैशेस भी मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट मैंने मंगाए हैं ये नेल ग्लू, तो ये ब्रश वाले नेल ग्लूज हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मैं इनका एक पहले यूज़ कर चुकी हूँ, एंड काफ़ी अच्छे से हमारी जब मैं नेल एक्सटेंशन करती हूँ तो टिप को फिक्स करने के लिए मुझे ग्लू की ज़रूरत पड़ती है। तो यस गाइज, ये बहुत अच्छे हैं, काफ़ी रीजनेबल लगे मुझे। मैंने और भी ब्रांड से लिए हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं, लाइक 500-600 से कभी कम नहीं मिलते हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड साथ में इसमें ब्रश एप्लीकेटर भी है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं काम करने के लिए। तो दो मैंने ये मंगाए। नेक्स्ट मेरे पास है कि ये आई पेंसिल, दिस इज़ द वाइट काजल आई पेंसिल, आई एंड लिप लाइनर है विथ वाइटमिन ए, एंड दिस इज़ वाटरप्रूफ, एंड इस पर लिखा हुआ है हुडा ब्यूटी। यस आई नो दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल हुडा ब्यूटी, बट गाइज सो गुड दिस इज़, लाइक लुक एट द पिगमेंट, कितना वाइट है ये, एंड काफ़ी स्मूथली ग्लाइड करती है। एंड सबसे बड़ी बात, ये रोल ऑन पेंसिल है, लाइक
ये देखिए आप इसको रोल ऑन करके बाहर बाहर निकाल सकते हो। ये वो शार्पन वाली नहीं है जिसमें कि काफ़ी प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है और वो टूट जाती है। एंड लुक एट द पिगमेंट, कितने अच्छे से ये वर्क कर रही है। तो मैंने एक ये मंगाई, इसमें हुडा ब्यूटी लिखा है, बट दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल हुडा ब्यूटी, बट इट्स वर्किंग सो नाइसली एंड वाटरप्रूफ भी है। तो इतने कम बजट में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है, आप ले सकते हो इसको। मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी, आई लाइनर, जो पेन्स होते हैं। अभी तक हमने ब्लैक कलर के बहुत यूज़ किए थे, लेकिन अभी मुझे ये वाइट कलर का आई पेन मिल गया है। दिस इज़ फ्रॉम नेलियो लिक्विड आई लाइनर, न्यू बैम्बू शेप। दिस इज़ प्योर वाइट एंड 24 आवर्स तक ये रहेगा, इन्होंने क्लेम किया है, एंड दिस इज़ वाटर प्रूफ। तो अभी मैंने इसको एक रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो में यूज़ भी किया था, एंड ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। आप देखो कितना अच्छा चलता है ये पेन, आप मोटा पतला कैसा भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक वाइट आई लाइनर पेन है ये, एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है एंड काफ़ी सस्ता भी है। तो मुझे ये तो बहुत पसंद आया। अगर आपको कोई भी चीज़ें चाहिए हो तो आप इनके स्टोर पे जाके ले सकते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम, दिस इज़ एन ऑथेंटिक शॉप। तो यस एक मैंने ये मंगाया। स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मैंने फ़ैन एंड एसी बंद करके रखा हुआ है, वो काफ़ी लाउड हो जाते हैं समटाइम्स एंड हमारी आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने बंद किया हुआ है। एंड दिस टाइम मैं पूरा स्वेटी हो चुकी हूँ। नेक्स्ट मैंने ये छोटू सा एक डब्बा मंगाया है, दिस छोटू टब इज़ फ्रॉम नेलियो, एंड दिस इज़ अ क्रीम आई शेडो, क्रीमी आई शेडो, एंड लुक एट द पिगमेंट गाइज, दिस इज़ सो पिगमेंटेड, सो पिगमेंटेड, एंड दिस इज़ इन द शेड गोल्डन, एंड काफ़ी अच्छा है। लाइक हम जब आई मेकअप कर रहे होते हैं, ब्राइडल या पार्टी या ग्लैमरस लुक कर रहे होते हैं, तो हमें इस टाइप के शेडोज़ बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आप इस तरह के शेडो को यूज़ करके इस पर ईज़िली ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो बिना किसी ग्लू के, ये लग जाएगा इस पर क्योंकि ये वेट होता है, एंड जब ये एक बार ये सूख जाएगा तो ये सेट हो जाएगा, मूव नहीं होगा। तो मैंने ये मंगाया, एंड ये बहुत ही लाइक बहुत ही कम प्राइस में मिला है, आप प्राइस देख सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, एंड इसमें एक ही शेड अवेलेबल था सिर्फ गोल्डन, नहीं तो मैं और भी शेड्स मंगा लेती, या हो सकता है और भी हो मुझे पता ना हो। तो मैंने उनका स्टोरी पे चीज़ें देखी थी और जो जो मुझे अच्छा लगा मैंने ऑर्डर किया। एंड जब आप टोटल जो भी प्रोडक्ट्स मंगाते हो उस पर आपको 100 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज वो लेते हैं, कुरियर चार्ज या डिलीवरी चार्ज आप कह सकते हो, वो आपको अलग से देना पड़ता है। मैंने एक और बहुत ही हेल्पफुल चीज़ मंगाई है जो कि हम ग्रोइंग एज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारे बाल हेयर हमारे बहुत जल्दी वाइट होने लगते हैं, ग्रे होने लगते हैं, समटाइम्स हम पार्टी में जाने वाले हैं और ग्रे हेयर हो जाता है, तो अब इतनी जल्दी कलर करने कैसे बैठो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है ये। दिस इज़ एम्ब्री कलर हेयर लाइन 2-in-1, एंड दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कलर, लाइक आप अपने हेयर को इससे कलर कर सकते हो। इसको ओपन करने पे ये इस टाइप का कुछ निकलता है, एंड इसमें साथ में दिए हैं, अच्छा इसमें स्टेंसिल्स भी दिए हुए हैं, लाइक आप इससे अपनी आईब्रोज भी फिल कर सकते हो। लुक एट द स्टेंसिल्स, इसमें ये 3 स्टेंसिल्स भी प्रोवाइड किए इन्होंने, तो इससे आप आईब्रोज को भी फिल कर सकते हो और आप अपने हेयर को भी कलर कर सकते हो। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, लाइक पाउडर पफ वाली लिपस्टिक्स आती थी ना पहले, वैसे ही है। इसके अंदर पाउडर है एंड दिस इज द पफ, एंड आप इससे अपने ग्रे हेयर को कलर कर सकते हो लाइक दिस। लाइक ये इंस्टेंट आपका काम कर देगा, एंड लुक एट द शेड, मैंने ब्राउन शेड मंगाया है, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल हैं, आई थिंक ब्लैक या डार्क ब्राउन भी है, तो ये काफ़ी नेचुरल लगता है इसलिए मैंने मंगाया, एंड एक बार जब ये सूख जाएगा तो ये मूव नहीं होता है। तो मुझे ये भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ मैं देखती हूँ मेरे हेयर कहीं ना कहीं से ग्रे दिख रहे होते हैं एकाध, तो ये मेरे को काम हेल्प करेगा। लुक कितनी जल्दी इसने कवर कर दिया, एंड यस गाइज मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं पता था ये आईब्रोज के लिए भी वर्क करता है, मैंने इसका ये इतना डिटेल पढ़ा नहीं था। अभी मैंने स्टेंसिल्स देखे तो मुझे पता चला ये आईब्रोज के लिए भी वर्क करेगा, तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी और इसको यूज़ करके देखूंगी क्या ये आईब्रो को फिल कर देता है, क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत लाइट है गाइज, मैं इतना ज़्यादा ये क्रिएट करती हूँ अपने आईब्रोज़ को पाउडर एंड पेंसिल से, तब ये आपको दिखती हैं, वरना मेरी बहुत लाइट आईब्रोज़ हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर ये मेरे आईब्रोज़ पे काम करेगा, अगर काम करेगा तो मैं डेफिनेटली इसका डार्क शेड भी मंगा लूँगी। तो जब इतना प्रोडक्ट मैंने मंगाया तो उन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट्री लिपस्टिक दी भेजी है, ये दिस इज़ फ्रॉम सेक्स बेबी, दिस इज़ लाइक चॉकलेट है ना,
सिल्क चॉकलेट विथ लिप ग्लेज, ये इस तरह का पैकेट था। इसको जब हम ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये लिपस्टिक निकलती है। एंड दिस इज अ वन चॉकलेट सेक्सी बेबी, इसमें नंबर है, आई थिंक वन नंबर है ये। तो ये उन्होंने फ्री गिफ्ट मुझे भेजा है। एंड दिस इज अ न्यूड शेड, लुक एट, ओ वाओ दिस इज सो प्रिटी, लाइक दी ब्राउनी शेड है या ऑरेंजी ब्राउनी आप कह सकते हो, रस्ट कलर आप कह सकते हो। येस आई लाइक दिस कलर, मुझे इस टाइप के शेड्स बहुत पसंद आते हैं अपने लिए। तो येस गाइज दिस इज़ सो पिगमेंटेड, एंड अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, अब मैं इसको रख के देखूंगी ये काफ़ी लॉन्ग स्टे है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने उनके उसमें स्टोरी पे देखा था, उन्होंने इसको भी डिस्प्ले किया था इसका भी, और ये एक बार सेट हो जाएगी तो मूव नहीं होगी, काफ़ी लाइट वेट है। और ये सब चीज़ें मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी तब मैं देखूँगी क्या ये उतना अच्छा काम करती है कि नहीं। एंड स्मेल इज़ सो गुड, लाइक स्ट्रॉबेरी जैसी स्मेल आ रही है, मन कर रहा है इसको खा लूँ। इतने ही प्रोडक्ट्स थे जो मैंने उनसे मंगाए हैं। मैं पहले भी एक बार मंगा चुकी हूँ उनसे कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। लाइक नेल्स के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए थे, बट इस बार मुझे लगा कि मुझे सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगी हैं तो क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ और मैं उनका थोड़ा सा प्रमोशन कर सकूँ। हालाँकि वो काफ़ी फेमस होंगी आई नो, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड जैसे कि पहले मैंने पहले भी बोला था, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने सारी चीज़ें खुद ही मंगाई हैं, बजट फ्रेंडली है यार, आप भी ले सकते हो। उनके पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट को या उनके पेज को या आप उनके स्टोरीज पे चेक कर सकते हो। तो या गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आपको करना है एक लाइक मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, और ज़रूर उस बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलती हूँ मैं, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स, बाय बाय, लव यू ऑल।